नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, बहुत छोटा सा सुनने में आपको लगेगा मामूली है, लेकिन इस उपाय को यदि आपने रेगुलर करना शुरू कर दिया, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। आप देखना दोस्तों, कितनी बार आप काफी ऐसे सेवा पूजाएं करते हैं कि जिन सेवा पूजा को करने से, जिन उपाय को करने से आपका भला होना चाहिए, लेकिन यदि आपके घर में नेगेटिविटी का वास है, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में रह रही है, नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके घर में पनप रही है, तो आपका भला नहीं होगा। नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत जिन इत्यादि, ये चीजें ऐसी हैं जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह घूमती रहती है, लेकिन जहां इन्हें थोड़ा इनके लायक मौका मिल जाता है, वहां ये ज्यादा लंबे टाइम टिक जाती हैं, या फिर किसी के द्वारा भेजी गई है तो ये आपके घर में टिकी रहेंगी, आपके हर काम में रोड़े अटकाती रहती हैं, आपके साथ ही रहती हैं। कई बार आपको एहसास भी होगा, कई ऐसे जीव हैं जिन्हें तुरंत एहसास होता है, कितने ऐसे जीव हैं जिन्हें एहसास नहीं होता है, लेकिन ये चीजें उन्हें बर्बाद कर देती हैं। कई बार आप अपने घर में, जैसे कि किचन में गंदगी रखना, रात को जूठे बर्तन रखना, रात को देर तक जगने के बाद जूठे मुंह कुछ भी खा करके सो जाना, कुल्ला नहीं करना, सुबह उठ करके स्नान नहीं करना, सुबह उठते के साथ ही अपशब्द बोलना, सुबह उठते के साथ ही उन लोगों की शक्लें देखना जो हिंसक हैं या जो दुखी हैं, कभी आपका भला नहीं होगा। हमेशा दोस्तों सोने से पहले किचन को क्लीन रखें। कितनी औरतें रात को सोते समय तैयार होने जाती हैं, सजने संवरने जाती हैं, बहुत गलत बात है। ऐसा करने से आपका एक तो चरित्र खराब होता है, दूसरा घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो काफी ऐसे अवगुण इंसान खुद पाल करके बैठता है, जिसके लिए नेगेटिविटी उसके घर में वास करने ही लग जाती है। ढेरों ऐसी आदतें हैं, घर के अंदर चप्पल यहाँ वहां उतार देना, चप्पलों को एक ठिकाने नहीं रखना, बेड के ऊपर चद्दर ढंग से, आप बेड के ऊपर हमेशा दोस्तों चद्दर अच्छे से एकदम टाइटली बिछा करके रखें। कई घरों में ऐसी बिल्कुल पड़ी पड़ा होगा, कहीं चद्दर पड़ा है, कहीं कंबल पड़ा है घर के अंदर, ऐसा करने से भी राहु खराब होते, उस घर में हमेशा कलह रहेगी, घर में कभी पैसे नहीं टिकेंगे। कुछ लोग चलते फिरते हर जगह थूकने की उनकी आदत होती है, कुछ लोग तो जाकर के बाथरूम में थूक देंगे, उसके बाद उसको वॉश भी नहीं करेंगे, ऐसे के घर में दोस्तों कभी भी पॉजिटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। कुछ एक घर में ऐसा होता है जहां लेडी से घर के आदमियों से ही, अपने ही हस्बैंड से, बच्चों से झूठ बोलती है। कई एक मैंने ऐसी महिलाएं देखी जिन्हें, जो जिंदगी भर कभी आदमी को या बच्चों को पता ही नहीं चलने देती है कि वो क्या कर रही है, नई जैसी बातों में झूठ बोलना, घर के अंदर छोटी मोटी चोरी करके रखना, उनके पसंदीदा व्यक्तियों को घर की चीजें उठा करके दे देना। दोस्तों, यदि घर की महिला, घर की लेडीज अपने घर का पैसा, अपने घर का चीज सामान, क्या ये कैसी, मैंने देखा है काफी ऐसी औरतें होती हैं, जैसे किसी के यदि मायके वाले आ जाते हैं तो घर के मालिक को पता नहीं, उनके सास ससुर को पता नहीं, खुद उनके हस्बैंड को पता नहीं, और चीजें उठा करके चुपचाप देती हैं। जिस घर में घर की लक्ष्मी ही अगर ये काम करेगी, अपने ही घर की लक्ष्मी को उठा करके चोरी से सिर्फ अपने रिलेशनों को बनाए रखने के लिए देगी, वो घर कभी ऊपर नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। काफी घर में ऐसी लेडीसे हैं जो अपने ही घर में से पैसे उठा लेती हैं और जाकर के बाहर वालों को दे देती हैं, ऐसा घर कभी ऊपर नहीं आता है। कभी भी दोस्तों घर के अंदर झूठ ना बोले, घर के अंदर जो भी व्यक्ति, यदि जेंट्स हैं, आदमी है, वे लोग भी अपनी पत्नी से बिना किसी कारण के झूठ बोलते रहते हैं, उनके राहु का, उनके केतु खराब होते हैं। केतु यदि आपके खराब होते हैं, आपके शरीर में तकलीफ आ जाती है, आपका दिमाग हमेशा तरंगी विचारों में रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है कोई सूझ नहीं पड़ेगी, बस अच्छा लगता है करते रहो, जिंदगी में कोई किसी चीज का ठिकाना नहीं रह जाता है। तो कुछ एक ऐसे लक्षण कुछ महिलाएं पाल कर बैठी हैं, कुछ पुरुष पाल करके बैठे हैं कि आप घर में तो देख जा करके देखो, हाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को एक एक किलो फूल चढ़ा रहे हैं, लेकिन कर्म देखो, सगा खून उनका कहीं बहुत तकलीफ में है,
और वो उनको थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकते, तो भगवान के आगे चढ़ाए 1 किलो फूल उन्हें क्या फल देंगे। मैंने कितने ही ऐसे लोग देखे जिन्होंने जिंदगी भर गरीबी भोगी और उनकी पूरी जिंदगी ही कलयुग थी, लेकिन कभी वो खुद से निकलकर बाहर यूं देख नहीं पाए कि हमारा फर्ज क्या है, हमें क्या करना चाहिए था। हमेशा अपने सुख में सुखी है, ऐसे लोग भी दोस्तों कभी सुखी नहीं रहते। तो नेगेटिविटी आपके कर्मों के द्वारा भी उत्पन्न होती है। आपके घर की जो कंडीशन है, घर में कितनी बार पूरा पूरा दिन निकल जाए झाड़ू नहीं लगाना, घर के अंदर गंदा पड़ा है, कचरा पड़ा है, या फिर शाम के समय घर में झाड़ू लगाना, पूरा पूरा दिन घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाना, खाना नहीं पकाना, सोते समय जाकर के खाना पकाना, तमाम चीजें बर्बादी की निशानी है जो नेगेटिविटी को डेवलप करती है। तो जब आप उपाय कोई भी करें, बाकी चीजों पर भी आप कंसंट्रेट करें कि ऑल ओवर आपकी लाइफ कैसी है, आपकी लाइफ में क्या ऐसा है कि कुदरत आप पर खुश हो, है ना। तो आप इन तमाम चीजों पर भी ध्यान दें, और एक छोटा सा उपाय है इसको भी आप अवश्य ही करें। दोस्तों काली मिर्च सूर्य से जुड़ी हुई है, शनि से जुड़ी हुई है, सूर्य शनि बुध ये सभी को मजबूत बनाती है। जिनके ये ग्रह मजबूत है उनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, दुनिया में उनका नाम होता है, सौंदर्य उनकी बॉडी में छलकता है, उनकी बॉडी भी अट्रैक्टिव होती है, शरीर से भी धन्य धन्य, इकोनॉमिकल कंडीशन भी धन्य धन्य, सामाजिक स्थिति भी धन्य धन्य, चारों तरफ नाम है, एक रोशन जिंदगी जीते हैं। तो काली मिर्च से आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों काली मिर्च जहां आप लाल मिर्च का यूज करती हैं उसके बदले यदि आप काली मिर्च का यूज करें खाने में, तो आपके तमाम ग्रह ऐसे भी मजबूत होने लग जाते हैं। थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च हमेशा घर में रखें और खाने पीने में आप इसका यूज करें। दूसरा दोस्तों तांबे का कोई भी बर्तन हो, कोई भी कटोरी हो, कोई डिबिया हो, कुछ भी हो तांबे का, उसमें आप काली मिर्च भर करके या काली मिर्च का पाउडर भर करके हमेशा अपने डाइनिंग टेबल पर रखें। आप जहां भोजन करते हैं उस स्थान पर रखें। आपने देखा होगा काफी होटल्स में काली मिर्च का पाउडर, नमक, इन सब की डिब्बियां रखी जाती हैं खाने के लिए, कि यदि खाने में तीखा कम है तो आप काली मिर्च डाल सकते हैं, नमक कम है तो नमक डाल सकते हैं। लेकिन जहां ये सारी व्यवस्थाएं हैं उनका प्रोग्रेस बहुत जल्दी होता है, भले उस समय उनकी समझ में नहीं आता है कि इससे हमारे कोई ग्रह मजबूत होते हैं, उन्होंने शायद इसीलिए रखा होता है क्योंकि ग्राहकों को जरूरत है, कस्टमर को जरूरत है। लेकिन आप देखना भोजन की उन चीजों में जहां काली मिर्च का यूज ज्यादा हो रहा है वो चीजें भी बहुत जल्दी फेमस होती हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो हमेशा दोस्तों खाने के टेबल पर तांबे के किसी भी पात्र में काली मिर्च या काली मिर्च का पाउडर भर करके हमेशा रखें। घर में नेगेटिविटी जल्दी डेवलप नहीं होगी। लेकिन मैंने फिर से कहा जब आप कोई उपाय करते हैं तो उसके साथ कर्म भी अच्छे करें, कर्म अच्छे करेंगे और यदि इन उपायों को करेंगे तो आपकी लाइफ चमक जाएगी, राजा जैसे जियोगे दोस्तों, दुनिया में नाम कमाओगे, करके देखो, करते रहो। जय श्री कृष्ण।